So students, now we are going to discuss the applications of Gauss theorem. और इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हमें ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर। आपके पास कोई एक थिन वायर या एक थिन लाइन के लोग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज को स्प्रे करते हैं तो वो आपके पास एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का आप यूज करेंगे। अगर आप ये मान लें कि उस वायर की जो लेंथ है वो एल है और उस एल लेंथ के ऊपर चार्ज स्प्रेड है क्यू, राइट। सो हम ये कहेंगे कि एल लेंथ के ऊपर जब चार्ज स्प्रेड क्यू है तो यूनिट पे लेंथ पे जो चार्ज स्प्रेड होगा क्यू बाय एल होगा, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट होती है कूलम पर मीटर। तो इस लैम्डा वर्ड को हमने क्या कहा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज जो वायर पे स्प्रेड है वो पॉजिटिव है तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और चार्ज नेगेटिव तो लैम्डा की वैल्यू भी कैसे होगी, नेगेटिव होगी। मीन्स यूनिट चार्ज के ऊपर, यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना स्प्रेड है वो टर्म है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब गॉस थ्योरम अगर हमने यूज करनी होती है तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को हम एक गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज करते हैं और उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं कि सपोज हमारे पास ये एल लेंथ का कोई थिन वायर है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है कितना, क्यू एल लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो पहले हमें जब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये टर्म होनी चाहिए ई डॉट डी एस is equal to q enclosed by epsilon, ऐसे लिखते हैं आप। तो इसका मतलब एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए, उस सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस एरिया वेक्टर के बीच में जो गॉसियन सरफेस पे लिया है उनके बीच में एंगल पता होना चाहिए। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होगी तभी तो उसका नॉर्मल के साथ एंगल पता होगा। तो इसका मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से चार्ज कॉन्फिगरेशन के कारण से होती है। कोई तो पता है पॉजिटिव चार्ज के कारण से होती। अगर मैं इस वायर का सपोज इस पॉइंट को ओरिजिन बोल देता हूँ तो इधर की जो लेंथ होगी वो माइनस एल बाई टू और यहाँ इस कॉर्नर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, प्लस एल बाई टू, ताकि टोटल लेंथ इसकी कितनी है एल, राइट। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पी पॉइंट है इस पी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, ये पी पॉइंट है। तो इसके लिए हमें चार्ज जो ये रखा है क्यू है तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगती नहीं है, तो हमने इसको किस में तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस में तोड़ना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो इसका यहाँ पे कोई पोजीशन है सपोज एक्स इज इक्वल टू माइनस है और यहाँ पे कोई उसके काउंटर पोजिशन यहाँ भी मिलेगी उसके सिमिलर सिमेट्री के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू प्लस है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी के कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट प्लस इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट करता है। तो आप ये कहते हैं कि माइनस ए पोजिशन है और इस पे कोई चार्ज रखा है कितनी लेंथ का, से डीएल लेंथ का, और इस डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा, स्मॉल होगा, से डी क्यू, ऐसे इसके ऊपर भी कितना होगा डी क्यू। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर की तरफ होगी, आप होगी इनके और इनके बीच में क्या होना चाहिए, ये पोजिशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है चार्ज के क्यू बाय आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज के कारण। तो इसको अगर पॉइंट चार्ज अज्यूम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के कारण से क्या होगी, अवे होगी, और छोटे से एलिमेंट के कारण से सपोज डी होगी, कितनी होगी डी। इसी तरह से इस एलिमेंट के कारण से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालें तो डिस्टेंस तो ये हो गया, उतना ही डिस्टेंस होगा, क्योंकि अगर इसको मान लें हम ए और इसको मान लें आर, ये डिस्टेंस आपने क्या कहा आर, तो ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम न्यूमेरिकल टर्म से बात नहीं कर रहे, केवल क्वांटिटेटिव बात कर रहे, क्वालिटेटिव बात कर रहे, क्वांटिटेटिव डिस्कशन नहीं कर रहे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो भी इधर की तरफ आएगी, कितनी होगी, उतनी ही वैल्यू होगी, क्योंकि इसका चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है सेम, ठीक है। सपोज डिस्टेंस को अगर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकलेगा, ठीक। तो चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। तो ये अगर डीई है तो ये अगर इसको कहते हैं डीई डैश, तो डीई और डीई डैश के मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, बराबर है, बस केवल किसका फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। तो अगर इन दोनों फील्ड इंटेंसिटी को
अगर आपको एंगल पता हो तो अगर हम पैरेललोग्राम लगाएं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, ठीक है। अगर वो भी नहीं करते तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन मान ले और ये डायरेक्शन मान ले वर्टिकल, ठीक है, और इस एंगल को अगर हम थीटा कहें तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, राइट। ऐसे इस एंगल को अगर थीटा कहें क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, अगर ये पूरा ट्राइंगल मानते हैं तो बराबर हो जाओ कि इस समकोण क्या होते हैं बराबर, इसके अपोजिट ये थीटा तो इसके अपोजिट ये थीटा। अब इसका ये एंगल थीटा होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो इस डी को अगर रिजोल्व करोगे तो इधर की तरफ कितना आएगा डी कॉस थीटा एंगल करोगे कंपोनेंट, राइट, और इधर की तरफ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा वो साइन थीटा, डी साइन थीटा। ऐसे इसको रिजोल्व करोगे तो इधर की तरफ क्या आएगा डी डैश कॉस थीटा, ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे वो कितने आएगा, ये तो डी साइन थीटा इसका आएगा डी साइन थीटा, और एक डी साइन थीटा किसका आएगा इस डी का, इधर की तरफ डी कॉस थीटा, इधर की तरफ डी साइन थीटा। तो आप कह रहे हैं डी और डी डैश के मैग्नीट्यूड को बराबर है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये डी कॉस थीटा और ये डी डैश को भी क्या बोलते हैं डी कॉस थीटा, तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को क्या कर जाएंगे कैंसिल कर जाएंगे, और कैंसिल कर जाएंगे तो नेट फील्ड भी किधर बचेगा इधर की तरफ बचेगा, ठीक है। हमें इससे मतलब नहीं कि डी साइन थीटा ये क्या है, हम तो बस यूज कर लें, यू समझ लें कि भाई ये आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मैं इसको रीड्रा कर रहा हूं, ये आपने ओरिजिन माना है, ठीक है, तो ये पोजीशन थी x इज इक्वल टू प्लस a की और ये सपोज x इज इक्वल टू माइनस a की। हम ये जो कर रहे हैं ये केवल ये कंक्लूजन ड्रा करने के लिए कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड आएगा और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना चाह रहे हैं हमारा मेन मोटिव ये, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण से निकाली थी तो इधर की तरफ आ गई थी, इसके कारण से निकाली तो किधर आ गई थी इधर की तरफ, और दोनों का रिजल्टेंट क्या सपोज इसको E1 कह दूं मैं और इसको कह दूं मैं E2, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट किससे आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के आपने देखे कि डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये लाइन चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज रख रही है, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण से क्या होगी, इसके परपेंडिकुलरली मीन्स रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसे होगी रेडियली आउटवर्ड, जैसा कि आपके पास अगर यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर ले ले तो उसके लिए भी ऐसा होगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर इस पे चार्ज कैसा है नेगेटिव है, इस लैम्डा कैसा है नेगेटिव, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना किधर होगी टुवर्ड्स द चार्ज वायर, इसमें कहा रेडियली आउटवर्ड, इसमें कैसे रेडियली इनवर्ड, तो रेडियली रेडियल डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इन द रेडियल डायरेक्शन, ई इज इन द रेडियल डायरेक्शन। इसके लिए तो कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड, कितना मैग्नीट्यूड होगा हम निकालना है रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सुविधा सब हमने करा है, ये केवल ये समझने के लिए करा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज अगर वायर थिन वायर तो उससे किसी पॉइंट पे किसी डिस्टेंस पे निकालते थे उसके कारण से पॉजिटिव चार्ज तो अभी होगी परपेंडिकुलरली, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो किधर होगी टुवर्ड्स, कहने का मतलब ये होगा, समझ जाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई और रोज थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फिर कोई जिन सर्विस देते और फिर ई और डी एस के बीच में एंगल पता होना चाहिए, उसको एक्सपेंड करके रिजल्ट निकाल दो, लेट अस अप्लाई की कैसे इसको हम सोल्व करें, ठीक है। तो ये तो केवल आपको डायरेक्शन का एस्टिमेशन लेने के लिए था इतनी सी चीज, ठीक है। तो अब हम इसके लिए फर्दर डिस्कशन करते हैं, मीनिंग ये हुआ कि हम ये मान लें कि सपोज ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर थी, आपके पास कितनी लेंथ थी एल लेंथ थी, ठीक है, मैं पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूँ तो इसके किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इधर की तरफ भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, ठीक है। तो अगर इस पी पॉइंट के ऊपर अपने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो इस पी पॉइंट को इनक्लोज करना पड़ेगा बाय गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सेम हो, और या तो इलेक्ट्रिक फील्ड
उस कोसाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है या टेंजेंशियल है, मींस थीटा 0 या उस पॉइंट पे 90 डिग्री। तो आप क्या करते हैं इसके लिए प्रेफर क्या करोगे, सपोज मान लीजिए पेन है, ठीक है, कोई पेन आपके पास या चाक होल्डर, और मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो गिफ्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, रैप करेंगे। तो रैप करेंगे तो कैसे बनेंगे, एक सिलेंड्रिकल, क्या सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल। तो हम मान लेते हैं कि इसको, क्योंकि आर डिस्टेंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो आर रेडियस वाला हम क्या मान लेते हैं, एक सिलेंडर मान लेते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेंडर मान लेते हैं। कितनी लेंथ का सिलेंडर मान लिया आपने, एल लेंथ का, ये आपके पास एक गॉसियन सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर हमारे पास तीन तरह के सरफेस है, एक सरफेस हो गया S1, एक सरफेस ये हो गया S2, तो फ्लैट सरफेस है, और तीसरा सरफेस हो गया ये कर्व सरफेस, एक तो ये फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस ये, और एक ही कर्व सरफेस। और आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कुलर है, ये पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πRL, 2π इंटू आर इंटू एल, ठीक है, वो रिजल्ट हम यूज करेंगे। तो अब ये कहते हैं कि अब इस चार्ज को इंक्लोज करना है, यहाँ पे एक सर्फेस ये जो है कैसा सर्फेस, S1, तो इस सर्फेस के ऊपर आप एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लीजिए, क्या नाम दे दे इसको, BS1। तो DS1 की नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ होगी, सर्फेस ये तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर भी होगा, ये होगा भाई कौन इसका नॉर्मल, इसको मैंने कह दिया M1 कैप, S1 सर्फेस का। ऐसे ही S2 सर्फेस के ऊपर भी एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लीजिए इस S2 के ऊपर भी, और इसको नाम कह देती हमने BS2, ठीक है। और आपके अकॉर्डिंग क्या है, DS1 कितना लिया आपने, DS2, DS1 और DS2 दोनों आपने क्या लिए, सेम कितना, DS से। और इसकी डायरेक्शन होगी किधर की तरफ, ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल किधर की तरफ होगा, ये भाई किधर की तरफ हो गया N2, ठीक। और तीसरा जो कर्व सरफेस है उस सरफेस को हमने नाम दे दिया जो ये S3। तो इसके किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपने कोई एलिमेंटल एरिया लोगे, सपोज ये ले लिया हमने कितना, DS3, कितना ले लिया, DS3, ठीक है। सपोज ये यहाँ पॉइंट पे लिया तो वो कैसा होगा, S परपेंडिकुलर, यहाँ लोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर घुमाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो नॉर्मल आएगा वो कितना आ गया, इस तरफ में N3 है, ठीक है। अब आपको ये पता था पहले एस्टिमेट कर चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने, तो रेडियली क्या है, आउटवर्ड, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इधर की तरफ, राइट, यहाँ पे कैसे, सब जगह रेडियली आउटवर्ड, ठीक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी कैसी होगी, ऐसे इधर की तरफ, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन सर्फेसिस के एंगल बताइए, तो इस सर्फेस S1 का तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ, नॉर्मली इधर की तरफ, तो एंगल कितना है 90 डिग्री। ऐसे इस सर्फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ, नॉर्मली इधर की तरफ, तो ये आपके पास एंगल हो गया कितना, θ1 कितना 90 डिग्री, θ2 कितना हो गया दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, और इसके लिए कितना हो गया θ3 बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल एक ही डायरेक्शन के अंदर हो गए, तो इसका मतलब इसका θ3 कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। अब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करने की सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आपने इसको पूरी तरह से इंक्लोज कर दिया और उनके एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती थी भाई, भाई क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस ई डॉट BS is equal to क्या होता था, Q total enclosed और by epsilon, ठीक है। अब ये सरफेस इंटीग्रल है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्लोज सरफेस, इस सरफेस को अगर खोले, जैसे मान लो आपने वो गिफ्ट दिया किसी को, तो वो गिफ्ट देखना चाहे कि क्या है, तो वो कैसे करेगा, कुछ तो इधर से अनकवर करेगा, यहाँ से अनकवर करेगा, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा छीलता 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 पूरा सुन जाएगा ना, जैसे आपने पूरा इनक्लोज किया था छोटे छोटे एलिमेंट्स को BS3 BS2 DS1 को लेकर। इसका मतलब इस इंटीग्रल क्लोज को आप ओपन कर सकते हैं, तीन एरियाज के अंदर आप इसका डिवीजन कर दे, तो मींस इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लोज की वजह ये इंटीग्रल हो गया ओपन, एक बार S1 सरफेस के लिए तो क्या लिखा जाएगा, ई डॉट DS1 प्लस फिर ओपन इंटीग्रल किसके लिए, ई डॉट DS2 कौन से सरफेस के लिए, S2 सरफेस के लिए, प्लस फिर ई डॉट DS3 किसके लिए, S3 सरफेस के लिए,
और वही क्या q टोटल इनक्लोज और टोटल इनक्लोज चार्ज कितना है, इसे q मान रहे हैं फिलहाल, तो q बाय एप्सिलॉन ठीक है। और यहां आपने इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी अज्यूम कर रखी है, लैम्डा, तो q बाय l इज इक्वल टू लैम्डा वर्ड हम यूज करेंगे ठीक है। तो इसको अगर फिर फर्दर एक्सटेंड करें तो यहां देखिए e डॉट ds1 का मतलब e ds1 cos थीटा 1, थीटा 1 कितना 90, cos 90 0, e ds2 cos थीटा 2, cos थीटा 2 कितना 90, cos 90 फिर 0, इसका कंट्रीब्यूशन भी 0, इसका भी कंट्रीब्यूशन 0, इसके लिए थीटा 3 कितना है 0 डिग्री ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले कि डायरेक्शन में, तो e ds3 cos थीटा 3 और थीटा 3 कितना है 0, cos 0 कितना 1 ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड कर दो, जैसी तरह लिखना चाहो तो इसके लिए कि थीटा 1 यहां कितना 90 डिग्री है, cos 90 कितना होगा 0, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0 ठीक है। ऐसे ही इसको लिखोगे तो थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे थीटा 3 कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब आपने इसको बिना एक्सपेंड करे, अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन और बढ़ेगी e ds1 cos थीटा 1 ठीक है, प्लस इंटीग्रल s2 के लिए e ds2 cos थीटा 2 ठीक है। और थीटा 1 की वैल्यू लिखोगे 90, सो cos 90 तो पूरी टर्म 0, फिर cos 90 0, ये टर्म भी 0, यहां पे लिखो e ds3 cos थीटा 3, थीटा 3 कितना 0, तो cos 0 कितना 1। मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, पहले टर्म अगर आप लिखना भी चाहते हो क्योंकि मेरे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप बाद में कर भी सकते हैं, इसको ऐसे लिखा था e ds1 cos थीटा 1 प्लस ये s1 सरफेस के लिए था, ये s2 सरफेस के लिए e ds2 cos थीटा 2 प्लस e ds3 और cos थीटा 3 एंड दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट ठीक है। इनकी वैल्यू लिख दीजिए, cos थीटा 1 तो e ds1 cos 90 वाई ठीक है, प्लस e ds2 cos 90 प्लस e ds3 और cos कितना बनिया 0 डी, cos 0 कितना था 1 होता है, q बाय एप्सिलॉन ठीक है। तो यहां पे 0 करके कर दिया आपने, तो बात तो यहीं खत्म होगी, आपने क्यों दो स्क्वायर पढ़ाए, क्यों आपने पेन खर्चा जाता ठीक है। तो यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो मार्क करके कि थीटा 1 0 है तो cos 90 टर्म 0 होगी, ये टर्म भी वैनिश करेगी, ये वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी, तो इसका मतलब ये टर्म जो s1 सरफेस के लिए थी, s2 सरफेस के लिए थी, दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 0, ये टर्म भी कितनी आ जाएगी 0 और ये cos 0 कितना आ जाएगा 1, सो इट मींस दैट आपके पास कंट्रीब्यूशन आया केवल कौन सा e vs3 और cos थीटा कितना, cos 0 कितना 1, सो q / एप्सिलॉन ठीक है, टोटल चार्ज आपके पास। और क्योंकि आप cos 0 कितना होता है 1 होता है ठीक। अब ये जो e हमने जो कोजन सरफेस की हम कंसेप्ट लेते हैं तब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोजन सरफेस के इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है सेम जहां पे एग्जिस्ट करेगी, जब आपने ये सिलेंडर लिया तो सिलेंडर में s3 का एरिया था और इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंटल एरिया लिया कितना बोलिए ds3 ठीक है, नॉर्मल अरे तो छोटा सा फिर ds3 ds3 ds3, और अगर ये सभी एरियाज को जोड़ दे तो कौन सा सरफेस एरिया बढ़ेगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, कंट्रीब्यूशन 0, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई इनटू r इनटू l, l लेंथ हो और r अगर रेडियस हो तो इसका रिजल्ट ये होता है 2 पाई r l। तो ये मैं इसको लिख देता हूं, सिंस इंटीग्रल ds3 है कर्व टाइप का एरिया था ठीक है, उसका सारा जोड़ जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, कर्व सरफेस एरिया ठीक है ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई इनटू r इनटू l ठीक है। तो इंटीग्रल ds3 की वैल्यू देख लीजिए, तो e इनटू 2 पाई r इनटू l ठीक है, कितना लिख दिया is equal to q by epsilon ठीक है, और इस फैक्टर की तरफ नीचे ले आते हैं, so e is equal to
कितना हो गई क्यू डिवाइडेड बाय कितना 2πr और l, ठीक है, तो 2πr और एक एप्सिलॉन नॉट है और इनटू l, ठीक, यहां तक इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसको नंबर डालना चाहो नंबर डालो, इसको फर्स्ट डाल लीजिए, ठीक है, फर्स्ट भी एक वो लिखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, तो उसको लिख देना फर्स्ट, इसको सेकंड बोल दीजिए, ठीक है, फर्स्ट ये लिख दीजिए कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, इसको फर्स्ट बोल लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल को फर्स्ट बोल लीजिए, ठीक है, तो यहाँ ये इक्वेशन आ गई सर थर्ड, और थर्ड में आपके पास ये क्यू बाय एल टर्म एग्जिस्ट कर रही, चार्ज करंट लेंथ, और चार्ज करंट लेंथ क्या होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, that is lambda, so E is equal to यहाँ आपके पास होगी lambda over 2pi और r into epsilon, 2pi epsilon or into r, ये आपके पास electric field intensity का expression आ गया 4, जबकि आपने किसके लिए लिखा है lambda, charge current length के लिए, linear charge density, ठीक है, तो आप यहाँ अगर देखें तो electric field intensity की value तो lambda charge current length, तो इसका हम देख 2 पाई कांस्टेंट है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 1 और 4 पाई बन जाएगा, टर्म 9 इंटू 10 पावर 9 कांस्टेंट हुई, और लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी भी फिक्स है, तो इसका आंसर क्या हुआ, दैट इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो कैसे होगी रेडियली आउटवर्ड, और लैम्डा नेगेटिव है तो कैसी होगी रेडियली इनवर्ड, ठीक है, और अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो वो भी हम ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कैसी हो गई है, ये आ रहा है कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसका डिवेरिएशन होगा इस तरह का होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर तरफ डिस्टेंस, सो ये आपका एक वेरिएशन होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, सो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू अप्लाई द टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर, ठीक है, करना क्या सीधा हमने चार्ज करंट लेंथ निकालना, ये लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप मेंशन कर दे क्लियरली आउटवर्ड या इनवर्ड, होगी लैम्डा पॉजिटिव एंड लैम्डा नेगेटिव होने से, ऐसा एक फिगर बना दीजिए, सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो cos थीटा sin थीटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे अप्लाई करके तीन टाइप के सरफेस में इसको क्लोज करके सिलेंडर मान लिया, गॉसियन सिलेंडर S1 S2 S3 d थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, जिनके 90 कंट्रीब्यूशन है उनका फील्ड जीरो आ जाएगा, और तीसरी टर्म का एग्जिस्ट करेगा कर्व सरफेस जीरो था 2π आ जाएगा, ये आप इस तरह से कर सकते हैं, सो नाउ द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल, सेल का मतलब एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खोखला है, ठीक है, और उसकी जो सरफेस है वो भी थिन है, मींस इनर और आउटर रेडियस कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और उसको कुछ चार्ज दे दिया वो यूनिफॉर्मली उसके सरफेस पे स्प्रेड हो गए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इसके कारण से, तो हो सकता है कि हम इसके बाहर किसी पॉइंट पे निकालना चाहें, इसके सरफेस पे या इसके इनसाइड, तीन केस हम इसमें लेंगे आप, और तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, जिसको ये स्फेरिकल सेल हो गया, और इसका सेंटर अगर ओ पॉइंट है और इसकी रेडियस जो है उसको कैपिटल आर बोलते हैं, ठीक है, और इसको यूनिफॉर्मली आपने चार्ज कर दिया, तो चार्ज स्प्रेड हो गया कितना क्यू, ठीक है, तो आपको पता है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², कितना होता है 4πr², ठीक है, तो इस 4πr² एरिया के ऊपर जो चार्ज स्प्रेड है वो कितना क्यू, तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज स्प्रेड होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि एक तरह का ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 4πr², चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको टर्म बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब आपके पास सिग्मा टर्म बन गई क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया मींस 4πR², अगर इसकी रेडियस यूज की जाएगी तो, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, या इसको अगर चार्ज निकालना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए सरफेस एरिया से,
और क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू फोर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर से सेकंड बोल दीजिए। ठीक है, क्यू यूज करें या ये यूज कर रहे हैं, यूज कर दोनों इसको एक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि हमें किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज ये पी पॉइंट है और ये पी पॉइंट इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, से आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अगर ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से बड़ा है, मीन्स ये 10 सेंटीमीटर भी 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब पॉइंट बाहर है, मीन्स पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड। और ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इसका हम पॉइंट कहां लाई करेगा, सरफेस पे, मीन्स स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर का मतलब सरफेस। और अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मीन्स ये सपोज 10 सेंटीमीटर और हम बात करें 3 सेंटीमीटर इस बोले के अंदर लाई करेगा ना, तो वो क्या होगा, इनसाइड। तो तीन पॉइंट्स के ऊपर हमने फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस करनी है, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। अगर आउटसाइड निकाल रहे हैं और स्मॉल आर की वैल्यू कोई कैपिटल आर लिख ले, तो आउटसाइड वाला रिजल्ट किस में बदल सकता है, सरफेस वाले में बदल सकता है। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि इस पॉइंट को एनक्लोज करते हैं किसी प्रॉपर गॉसियन सरफेस। इसके लिए प्रॉपर गॉसियन सरफेस क्या होगा, गोल को बंद करने के लिए एक स्फीयर होगा। अच्छा सर, तो आपने एक स्फीयर ड्रा कर दिया, कितने रेडियस का, आर रेडियस का, ये स्फीयर हो गया। और अभी सर अगर सरफेस है तो इसके उस पॉइंट पी को एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया मानेंगे, कितना से डीएस, तो इस डीएस की डायरेक्शन पूछे आप। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, टेंजेंट। सरफेस का मतलब क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होता है, रेडियस, क्योंकि इसकी अगर नॉर्मल की डायरेक्शन पता करनी हमें तो नॉर्मल की डायरेक्शन ही होगी, कौन एन कैप। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज के कारण से कैसा होगा, अबे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, तो ई और जो एन कैप है या जो ई और जो डी एस की डायरेक्शन है वो किधर है, एक ही डायरेक्शन में, ई और डी एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना है, जीरो डिग्री है। यानी कह दीजिए कि ई और एन कैप एक डायरेक्शन में, इसका मतलब एन कैप किसकी डायरेक्शन को बताता है, डीएस की डायरेक्शन, क्योंकि डीएस की डायरेक्शन को बताता है, एन कैप बताता है, तो इसका मतलब थीटा कितना है आपका, जीरो डिग्री। ठीक है, गॉसियन सरफेस के लिए तो क्रॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट आउटसाइड के लिए बात कर रहे हैं, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट कैन बी स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो हमने पी पॉइंट को एनक्लोज करके एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लिया, मीन्स एक गॉसियन स्फीयर ड्रा कर लिया आपने। ठीक, कितनी रेडियस का, स्मॉल आर का, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की फील्ड पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, अब गॉसियन मल्टीप्लाई करें तो गॉसियन क्या कहेगी, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू टोटल और बाय एप्सिलॉन, और स्फीयर के अंदर ये सारा का सारा चार्ज आ रखे ना इसका क्यू। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करें तो ई डॉट डी एस को कैसे एक्सपेंड करते हैं, बताइए, ई डी एस और कोस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है, जीरो डिग्री। ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन, क्योंकि थीटा किसके बीच में, जीरो डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये, और इसी डायरेक्शन में डी एस की डायरेक्शन, क्योंकि सरफेस का अगर मतलब देखे तो सरफेस का टेंजेंट होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर कौन होती है, रेडियल। ठीक है, तो इसका मतलब ई और एन कैप, मीन्स ई और डीएस की डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि डीएस वेक्टर ही किसकी डायरेक्शन को बताता है, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन को कौन बताता है, एन कैप बताता है। ठीक है, सो कोस जीरो कितना हो जाएगा, वन, मीन्स क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ध्यान याद रखना अपना क्लोज सरफेस। ठीक है, क्योंकि इसको स्प्लिट नहीं किया सरफेस पूरा, एक ही टाइप का है वो कर्व सरफेस। ठीक है, और अब फिर ये का
गॉसियन सरफेस का एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितना डिस्टेंस इसका उतना इतना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चार्ज कितना ले रहे और डिस्टेंस भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से क्या कर दे, बाहर कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ई को लिख दिया बाहर, और अंदर कौन बच गया, इंटीग्रल डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। और इंटीग्रल डीएस क्या, ये चीज समझिए कि आप ये समझ लीजिए कि आपके पास एक संतरा है, उस संतरे को आप छील रहे, थोड़ा सा पोर्शन यहाँ छील दे, थोड़ा सा यहाँ छील दे, थोड़ा सा यहाँ से डीएस 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 डीएस, इस तरह के सभी डीएस को अगर जोड़ ले तो पूरा पूरा संतरा छील दिया, और पूरे संतरे का जो सरफेस एरिया कितना होगा, 4π² स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये छोटे छोटे इसके ऊपर एलिमेंटल एरिया अगर आप कवर करते हैं इसके ऊपर इस पूरे सर्फेस के यहाँ भी पूरे, तो वो कितना होता है 4π r² होते हैं सर्किल लिए पूरे थ्री डायमेंशन के अंदर, तो एक स्फेरिकल सरफेस था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये e इंटू ये क्या रकम आएगी, 4π² स्क्वायर ऑफ द रेडियस, रेडियस कितनी है इस सरफेस के लिए, स्मॉल r, ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल ds आपके पास कितना है, यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रल ds कितना होगा 4π² स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो यहां से e निकालेंगे तो दैट विल बी व्हाट, q डिवाइडेड बाय 4π epsilon, 4π नीचे चला जाएगा और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड वन एंड दिस वन इज से थर्ड, ठीक है। अब देखें तो इसको 1/4 को क्या बोलते हैं, k, तो k q / r स्क्वायर, k q / r स्क्वायर किसका रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब जो स्फेरिकल सेल है उसके किस फार पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए किसके तरह बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, तो ये एक्सप्रेशन किसका, पॉइंट चार्ज का, ठीक है। सो कौन सा पॉइंट लिया था आपने, आउटसाइड, तो इसको ई ओ लिख सकते हो, आउटसाइड पॉइंट, ओ फॉर आउटसाइड, और ये हुआ क्यू बाय 4π epsilon r², ठीक। यहाँ आपको ये देख सकते हो कि जो आउटसाइड पॉइंट है क्योंकि चार्ज के वैल्यू गिवन है, ठीक है, 4π epsilon r² कांस्टेंट, तो e आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हुआ, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इससे ये देख सकते हैं आल्सो इक्वेशन 3 इंप्लाइज एट आउटसाइड पॉइंट सेल behaves like a point charge, like a point charge, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। सपोज ये आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको बोल दो इसकी बात थर्ड बोल दीजिए, ठीक है। अगर इसके अंदर इस जो थर्ड ये बोल दे लीजिए, इसी सरफेस इसी स्मॉल आर की जगह अगर मैं कैपिटल आर लिख दूं, जिस इस पॉइंट को इसके बराबर डिस्टेंस के बराबर लिया है, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, कौन से पे, इस सेल वाले, सेल की रेडियस कितनी 4π r², सॉरी रेडियस आ रहा है तो सरफेस एरिया कितना होगा 4π r², तो आप ये लिखोगे फोर सरफेस 4 सरफेस के लिए क्या होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड क्या करिए बताइए, e इज इक्वल टू कितना है q ओवर 4π epsilon r², हाँ, इसके अंदर आपने सरफेस के लिए स्मॉल r किसके बराबर लिखा जाएगा, कैपिटल r, तो रख दे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये e है ये कितना हो गया q ओवर 4π epsilon और स्मॉल r की जगह कितना, कैपिटल r, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट बन गया, सरफेस का पॉइंट, जो स्मॉल r को किसके बराबर लिखते हैं, कैपिटल r के बराबर। और इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट पे गौर फरमाइए, q बाय 4π epsilon r², उस टर्म को क्या बोल सकते हैं, सिग्मा, या q किसकी जगह लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू 4π r², तो q की जगह कितना लिखें, es इज इक्वल टू q की जगह लिख दिया कितना 4π r² × σ, और ये 4π और epsilon और कितना, कैपिटल r², 4π r² से 4π r² कैंसिल हो गया, तो इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के ऊपर कितनी आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जबकि सिग्मा किसकी जगह लिखा आपने बताइए, 4π r² सॉरी q लिखा आपने किसकी जगह,
4 पाई आर स्क्वायर इनटू सिग्मा, सिग्मा आपकी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये कितनी चार्ज और पर यूनिट एरिया q ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो रेडियस फिक्स है ठीक है ना, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी सरफेस के ऊपर ये कैसी आएगी, कांस्टेंट है मैक्स है, तो सरफेस के ऊपर कैसी वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिख दीजिए q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर आर स्क्वायर ठीक है, ये इसको ऐसे लिख दीजिए सिग्मा बाय एब्सोल्यूट, और सरफेस पे कैसी वैल्यू होगी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो गया इसके लिए से 5 सरफेस के लिए। अगर ये पॉइंट आपका स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो, मीन्स ये आपकी सेल हो ठीक है, और आपका पॉइंट यहां है पी, तो गॉसियन सरफेस जो आप अज्यूम करोगे वो यहां आएगा ना, तो उसके अंदर चार्ज इनसाइड कितना हो जाएगा भाई, जीरो, क्योंकि चार्ज तो कहां है बाहर ही ठीक है, तो आप चाहे गॉसियन सरफेस लो उसकी चाहे डायरेक्शन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही, नॉर्मल की डायरेक्शन भी वही, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, सारा कुछ वो का वो करना पड़ेगा ठीक है। तो फॉर इनसाइड पॉइंट के लिए जो चार्ज ही जीरो होगा, क्योंकि ये टर्म ऐसे कैसे करोगे ई डी एस और q by epsilon not e ds cos theta, theta भी 0 degree होगा, cos 0 1 e ds और q by epsilon not, charge enclosed कितना है 0, तो q 0 होगा, q कितना हो जाएगा 0, तो surface area तो 0 नहीं है, तो electric field intensity क्या होना पड़ेगा 0, तो आप for inside point के लिए, for inside, inside point का तो small r less than capital R, ठीक है, उसके लिए आप कहोगे कि जो q enclosed है वो कितना आएगा, क्योंकि q inside उसके कितना है 0, कोई चार्ज enclosed नहीं है ठीक है। अब वहां फिगर बनाना चाहो भाई, यहां बना दिया ठीक है, अलग से बनाना चाहो अलग से बना के दिखा सकते हो ठीक है, आपने इसको ऐसे लिखा था क्लोज इंटीग्रल ds को 4 पाई स्मॉल r से ठीक है, ठीक है ये सेल नहीं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, वैसे बार बार बताएं कि कुछ भी नहीं है करना बड़ा हो तो भी कोई खास बात नहीं है ठीक है। ये आप पॉइंट लेंगे, पॉइंट छोटा सा एरिया लेंगे ds, नॉर्मल डायरेक्शन ये होगी n के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की तरफ ही होगा ठीक है, तो e और n के बीच में एंगल थीटा कितना आ जाएगा 0, यहाँ चार्ज क्लोज कितना आ गया 0 होगा ठीक है, और थीटा भी कितना है 0 डिग्री, तो थीटा 0 तो cos 0 कितना होगा 1, तो इसका मतलब इसके लिए अगर cos थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्लोज e डॉट ds इज इक्वल टू q enclosed ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या लिखा जाएगा epsilon, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो कितना आएगा ये e ds cos थीटा कितना, cos 0 कितना 1, तो e ds cos 0 लिख देता हूं सीधा, और इज इक्वल टू चार्ज enclosed कितना भाई 0 बाय epsilon, और 0 किसी भी टर्म से डिवाइड कर दो तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब कौन सा टर्म इंटीग्रल ई डी एस ठीक है क्लोज और इक्वल टू कितना 0, तो अब यहां देखिए ई बाहर लेंगे और इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या समझिए कि भाई या तो ये 0 या इंटीग्रल डी एस 0, क्या इंटीग्रल डी एस 0 है बताइए, क्योंकि डी एस टेंड्स टू क्या है 0 का मतलब गारंटी है कि ds 0 नहीं है, बहुत स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले रखा है, तो कौन 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, सो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बाद यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0, क्यों सिंस इंटीग्रल ds तो कोई ना कोई एरिया कितना है वो 4 पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर ठीक है इज नॉट 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे कितनी आ गई 0, तो हमने तीन रिजल्ट निकाले, एक तो आउटसाइड पॉइंट पे निकाला तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सरफेस पे निकाला मैक्सिमम और इनसाइड कितना 0, तो अगर इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, वो ग्राफ इस तरह का आएगा भाई, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, स्मॉल आर का मतलब था ये था आउटसाइड, ये था सरफेस और ये है इनसाइड, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देखें तो अगर ये रेडियस मानी हमने तो इससे कम पॉइंट के ऊपर तो इनसाइड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। सरफेस के ऊपर है कैसी वैल्यू? एक मैक्सिमम वैल्यू, सपोज ये इतनी। और आउटसाइड क्या हो रहा है बताइए? आउटसाइड डिक्रीज हो रहा है। एज किस तरह से डिक्रीज हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आउटसाइड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना है? मैक्सिमम है, कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और इनसाइड कितना है? जीरो। इनसाइड कितना है? जीरो। ये आपके पास कैसा आएगा? ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। अगर आपके पास आप एक सॉलिड स्फीयर लेंगे, तो सॉलिड स्फीयर लेंगे तो अंदर भी मास होगा, अंदर मास होगा तो अंदर चार्ज भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो वो आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगी इनसाइड में। जबकि इसके सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर है, देखिए तो यहाँ से लाइन हो रहा है, ठीक है। बट आपके सिलेबस में नहीं, वो यही है। तो नेक्स्ट हम थिन शीट के लिए और निकालेंगे।